असलम एंड ए वेरी वार्मेलकम टू डॉक्टर नौशिबा सलमान स्किन सोल्यूशंस आज हम जिस पर बात करेंगे सबसे पहले हम करेंगे ऑक्सीजन पील पर ऑक्सीजन पील को ऑक्सीजन पील क्यों कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर की जाती है स्किन में इसलिए इसको ऑक्सीजन पील कहते हैं नेवर द लेस जो ऑक्सीजन पील है उसके अंदर माइक्रोडामजन भी इन्वॉल्व होता है और उसके साथ साथ जो है वो आपकी स्किन जो है उसके ऊपर जितने वाइट हेड्स हैं ब्लैक हेड्स हैं ऑयल ज़्यादा बनता है वो इन सब चीज़ों को कवर करेगी और उसके साथ साथ आपके कॉम्प्लेक्शन को या आपकी इवन टोन को रिस्टोर करेगी ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ अगर इस मौसम में आपकी जिल्द पे ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं व्हाइट हेड्स ज्यादा बन रहे हैं ऑयल बहुत ज्यादा आ रहा है इवन कॉम्बिनेशन स्किन है कि आपके टी जोन के ऊपर ऑयल ज्यादा आ रहा है और रेस्ट ऑफ द स्किन जो है वो नॉर्मल है लेकिन आपको साथ साथ लगता है कि आपकी स्किन जो है उसका कलर या उसकी टोन इवन नहीं है डल हो गई भी है तो आप उसके लिए ऑक्सीजन भी ले सकते हैं ये क्या करेगी ये आपके ओपन पोर्स पे आपके ऑयल बनाने वाले ग्लैंस पे आपके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स और उसके साथ आपको इवन टोन देगी समटाइम्स आपको इसके दो से तीन सेशंस चाहिए होते हैं कभी कभार एक दफ़ा करना काफ़ी होता है और ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन पे कितना इशू चल रहा है और हमें कितने सेशंस करने की ज़रूरी ज़रूरत है यूजुअली जो है वो एक हफ्ते से सात सात से दस दिन के दरम्यान या सात से दस दिन के वक्फे के बाद हम नेक्स्ट सेशन करते हैं इसमें कोई एज लिमिट नहीं है यंगस्टर्स भी करा सकते हैं जो ओल्ड एजड हैं वो भी करा सकते हैं जो मिडिल ट हैं वो भी करा सकते हैं बट हम आपकी स्किन को देख के आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं घर बैठ के जो आपने असेस करना है वो ये करना है कि इस मौसम में अगर व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स ज़्यादा बन रहे हैं आपकी टोन अन है और आपके ओपन पोर्स हो रहे हैं या ऑयल ज्यादा बन रहा है इवन टी जोन पे तो फिर आपने इसके बारे में सोचना है अब हम आ जाते हैं वाइटनिंग पील, पील, है। पील बेसिकली हम क्यों करते हैं हम इसलिए करते हैं कि आपकी स्किन की जो डेड लेयर है वो हट जाए और उसके साथ साथ आपकी स्किन की टोन इवन हो और इवन होने के अलावा पहले से ज़्यादा अच्छी या लाइट हो जाए आपको एक फ्रेश लुक चाहिए आपको इवन टोन के साथ अच्छा कॉम्प्लेक्शन चाहिए तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं वाइटनिंग पील के लिए हमें कोई इश्यू नहीं है आपकी स्किन ऑयली है आपकी स्किन ड्राई है या आपकी स्किन एजड है या आपकी यंग स्किन है हम किसी पर भी कर सकते हैं ये दोनों पील्स जो हैं ये इनके सेशन भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं और एक सिंगल सेशन भी किया जा सकता है जैसे आपने किसी शादी में जाना है किसी सेरेमनी में किसी ओकेजन में जाना है आपका अपना कोई फंक्शन है और आप उसके अंदर जो है वो एक बेटर इवन कॉम्प्लेक्शन और एक फ्रेश लुक के साथ जाना चाहते हैं हेल्दी लुक के साथ जाना चाहते हैं तो आप वाइटनिंग पील ले सकते हैं मेल्स भी ले सकते हैं और फीमेल्स भी ले सकती हैं एक सिंगल पील जो है वो भी आप ले सकते हैं और अगर एज ए ट्रीटमेंट हम आपके ऊपर ये कर रहे हैं तो फिर यूजअली हमें दो से चार सेशन तक जाना पड़ सकता है जो दरम्यान में वकफा है वो वही सात से दस मिनट का रहता है जो वाइटनिंग पील है उसकी बहुत अच्छी बात यह है कि वो आप कहीं पर भी, भी कर सकते हैं आप फेस पे कर सकते हैं आईज के अराउंड कर सकते हैं आप अपनी नेक पे करवा सकते हैं आप अपने हाथों पे करवा सकते हैं आप पाओं पे करवा सकते हैं आप बैक ऑफ नेक पे करा सकते हैं आप इवन ये वाला एरिया डिफॉल्टे जो है उस पर भी करवा सकते हैं कोई इशू नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको करवाने के बाद आपको किसी खास एहतियात की ज़रूरत नहीं है हाँ ये नहीं होगा कि हम आपको पील करके भेज रहे हैं तो आप घर जाके जो है वो दो घंटे किचन में लगा रहे हैं ये आपने नहीं करना और इसके अलावा इस ये लंच टाइम प्रोसीजर्स हैं दोनों इसके लिए किसी ख़ास एहतियात की ज़रूरत नहीं है कोई आपको घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है या ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद आप मेकअप नहीं कर सकते या किसी फंक्शन में नहीं जा सकते हैं या फिर आपकी स्किन जो है वो एक्सट्रीमली में ड्राई होकर उतरना शुरू हो जाएगी दोनों पील्स में से किसी पील्स के साथ ऐसा नहीं होता आई थिंक सो कि आपको एक अच्छा आइडिया हो गया होगा कि पील से डरने की जरूरत नहीं है पील आपकी स्किन के टेक्सचर को आपकी स्किन के कलर या टोन को रीस्टोर करती है और आपको हेल्दी और फ्रेश स्किन देती है इससे डरे नहीं बल्कि इसका फायदा उठाएं